नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास रिपोर्ट प्रदेश के रीवा जिले में स्थित पावन घिनौची धाम के बारे में। दरअसल विंध्य वसुंधरा में एक ऐसी प्राचीन और ऐतिहासिक जलप्रपात मंदिर किला स्थित है जिसे देख लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ऐसी ही एक जगह है घिनौची धाम, जहाँ प्राचीन शिवलिंग का 12 महीने जल अभिषेक प्रकृति करती है। सिरमौर की घाटियों के बीच हरे भरे जंगल में घूमने सैकड़ों लोग पहुंचते हैं। खासकर सावन माह में यहाँ भक्तों और घूमने वालों का जमावड़ा लगा रहता है। पूजा अर्चना सहित भंडारे और मेले का भी आयोजन होता है। यहाँ बंदर भी काफी संख्या में हैं, जो हर पल लोगों का मनोरंजन करते हैं। इस जगह पर रीवा ही नहीं बल्कि आसपास के जिले और उत्तर प्रदेश से भी लोग घूमने आते हैं। पावन घिनौची धाम रीवा जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर और सिरमौर से 4 किलोमीटर की दूरी स्थित है और ये पर्यटन क्षेत्र चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ और धरती से लगभग 300 फीट नीचे स्थित है। यहाँ अदृश्य जल स्रोत और प्राकृतिक जल के रूप में भगवान भोलेनाथ के अति प्राचीन शिवलिंग का अभिषेक 12 महीने 24 घंटे लगातार हो रहा है। भगवान भोलेनाथ की महिमा यहाँ देखते ही बनती है। यहाँ दूर दूर तक जल का कोई स्रोत भी नहीं है, फिर भी अदृश्य जल स्रोत के रूप में पहाड़ों चट्टानों से होते हुए पवित्र जल धारा सीधे भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में नरमर्यादा पुरुषोत्तम राम और माता सीता के पुत्र लवकुश का जन्म भी पावन घिनौची धाम की घाटी में ही हुआ था, जिनकी शिक्षा दीक्षा भी महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा पवित्र शिवलिंग के मार्गदर्शन में ही पूरी हुई थी। वाल्मीकि और लवकुश की निर्मित प्रतिमाएं भी यहाँ एक ऊंचे सर्पिलाकार चट्टान के नीचे विराजमान है। यहाँ आने के बाद यहाँ की प्रकृति सुंदरता और चारों तरफ की हरियाली देखकर मन को परम शांति की अनुभूति होती है और भगवान भोलेनाथ के पवित्र शिवलिंग पर जल चढ़ाने मात्र से हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस तरह से ये स्थान पर्यटन और धार्मिक दोनों रूप से महत्वपूर्ण है। घिनौची धाम पहुंचने के लिए पहले लोगों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था। घने जंगल के बीच होने के कारण बहुत ही कम लोग यहां तक पहुंच पाते थे, लेकिन वन विभाग द्वारा पर्यटन के रूप में विकसित हो रहे इस जगह तक पहुंचने के लिए अब सुगम रास्ता, शिवलिंग तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां, पानी, टॉयलेट, सुरक्षा की नज़र से बाढ़ सहित अपना सुरक्षा कर्मी तैनात कर रखा है। हालांकि अब लोगों को पावन घिनौची धाम घूमने के लिए 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की टिकट का भुगतान करना पड़ता है। नई कटरा से अपना गांव भी 10 किलोमीटर अंदर पड़ता है। मेरे पिताजी का नाम श्री रंगलाल गुप्ता है। आया करता हूँ यहाँ, मैं 2-4 बार आ चुका हूँ। बहुत अच्छा स्थान है, प्रसिद्ध स्थान है, नहाने में बहुत अच्छा लगता है और यहाँ फैमिली लोगों को भी लेके आ सकते हैं हम लोग। बहुत अच्छा है, मंदिर है यहाँ की। खास बात हो गया, सबसे अच्छा है कि पानी हमेशा मतलब स्नान करने के लिए रहता है और खास बात अच्छी जगह है नहाने के लिए। बढ़िया व्यवस्था है, पूरा शिवलिंग है जहाँ स्नान करते हैं, बगल में शिवलिंग है, बढ़िया स्थान है, हर चीज़ अच्छा है। बंदर वगैरह रहते हैं, आदमी को थोड़ा सुकून सी जगह अच्छा लगता है। हमेशा आते हैं आप? हमेशा आते हैं अक्सर। हाँ, कितने लोग यहाँ रोज आते होंगे? करीब 200-300 तो पर डे डेली आते हैं। अपनी जैसी व्यवस्था है, चार चक्का वगैरह गाड़ियों की, ठीक बढ़िया व्यवस्था अच्छी है। ठीक, घिनौची धाम है ये, यहाँ पे हनुमान जी की और गणेश जी की प्रतिमा है और वन विभाग के द्वारा और टूरिज्म के द्वारा इस क्षेत्र को डेवलप किया गया है। झरना यहाँ पे गिर रहा है और प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही अच्छा है और टूरिस्ट लोग यहाँ पे लगातार आते हैं और जानकारी मिली तो हम भी आए तो यहाँ पे देख के बड़ा अच्छा लगा। धार्मिक रूप से और पर्यटन के रूप से बहुत ही अच्छा है और शासन को उसको और ज़्यादा डेवलप करने की आवश्यकता है। अभी कुछ यहाँ पे कमियाँ हैं जिसको वन विभाग, टूरिज्म, ये सब मिल के उसको विकसित करें और यहाँ पे प्राचीन शिवलिंग स्थापित है और कितने वर्ष पहले की है ये कोई जानकारी नहीं है और यहाँ पे प्रकृति रूप से जल के ऊपर गिरता रहता है 12 महीने। यहाँ पे हम लोग वैसे भी छुट्टियाँ रहती नहीं कभी, हमेशा ऑल टाइम बिजी रहते हैं, लेकिन जब भी कभी हफ्ता में 15 दिन 20 दिन में 1 महीने में हमेशा यहाँ आया करते हैं। उसकी वजह क्या है कि यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता माइंड ब्लोइंग, जो भी बंदा एक बार यहाँ आएगा तो उसका मतलब यहाँ का दृश्य जो है इतना अपनी तरफ आकर्षित करता है कि वो बार बार आने की जिक्र करेगा। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि नेचुरल पानी जो है यहाँ हमेशा गिरता रहता है। नीचे एक शंकर जी का शिवलिंग भी बना हुआ है साइड में,
वो जलाभिषेक जो है प्राकृतिक जो है अपने द्वारा यहाँ पंकज जी का 12 महीने हमेशा होता रहता है। और यहाँ कई सारी 2-3 मंदिर भी बनी हैं और लोगों का सबसे बड़ा आकर्षक केंद्र बन चुका है। उसकी वजह है कि यहाँ प्राकृतिक सौंदर्यता जो भी पर्यटक विभाग वाले भी अपना कुछ मॉडिफिकेशन कर लिया, जिसकी वजह से यहाँ 200 से 300 लोग पर डे यहाँ अपना घूमने इंजॉय करने आया करते हैं। बहुत से लोग आके अपना विद फैमिली आते हैं, खाना पीना बनाते हैं, अपना पूरा दिन यही व्यतीत करते हैं। विशेषता भी इसकी यही है कि यह आस्था का केंद्र है और यहाँ जो है तो टॉयलेट की व्यवस्था है, रेलिंग लग गई है, सीढ़ियाँ बन गई हैं। कैसे आस्था केंद्र है? चूँकि शंकर जी घनौती धाम है, यहाँ शिवरात्रि को व्रत करते हैं लोग भगवान, तो शिवरात्रि को भी मेला लगता है, यहाँ 10,000 लोग इकट्ठा होते हैं, और शिवरात्रि को बसंत पंचमी को। पर डे कितने लोग आते होंगे? पर डे कहीं 10-20 आ गए, कहीं 2-4 आ गए। गर्मी में कोई भी नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं कदू का, लेकिन बहुत कम आते हैं गर्मी। खास क्या है यहाँ शिवलिंग का? खास क्या है? खास अब यही है शिवलिंग का कि पानी गिर रहा है उनके ऊपर जलधारा घिनौची में, जैसे पानी गिरता है गगरी से तो छलकता रहता है, उस प्रकार से बराबर उनके ऊपर लगातार पानी गिर रहा है, जलाभिषेक हो रहा है उनका घिनौची पावन धाम में। वन विभाग द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? वन विभाग द्वारा यह रेलिंग और सीढ़ियाँ बनवा दी गई हैं, उतरने चढ़ने के लिए लोगों को आराम हो गया, पहले दिक्कत पड़ती थी, गिर पड़ते थे सियाने लोग। टिकट वगैरह का क्या यहाँ सिस्टम है? टिकट का 100 रुपए, 4 व्हीलर का, 2 व्हीलर का 25 रुपए, पैदल का 10 रुपए। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स और खास खबरों के लिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। और हाँ, गुड मॉर्निंग टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।